नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत कथा के बारे में, जिसका आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल महाड़ा के चार बंगला इलाके में किया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से इस कथा की तैयारी की गई है। इस कथा के प्रमुख आयोजककर्ता वैदिक ऋषि संस्था, जन कल्याण समिति, सावरकर सेल्टर्स, मोती सागर चैरिटेबल ट्रस्ट थी। इस श्रीमद् भागवत कथा में कुल 8 पंडित सम्मिलित होते हैं, जिसमें परम पूज्य श्री धनंजय व्यास जी मुख्य आचार्य थे। मालूम हो कि श्रीमद् भागवत कथा पूरे 8 दिन तक चलता है। इस दौरान प्रत्येक दिन भगवान के अनेक रूपों की कथा सुनाई जाती है। इस कथा में समुद्र मंथन से लेकर श्री कृष्ण की बाल लीला को दर्शाया जाता है। 8वें दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों का भंडारा कराया जाता है। पूरे का पूरा गीता ही अपने लिए बहुत ही मतलब जानना जरूरी है, बट फिर भी कौन सी एक ऐसी चीज है, पर्टिकुलर चीज जो सबको जानना बहुत जरूरी है? भगवद गीता, उसमें भी वो भी मल्टीपर्पज है और हर एक को हर व्यू से, हर तरीके से, हर एंगल से मार्गदर्शन करने वाली भगवद गीता है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण उसकी कथा हो रही, जो कि कहने के लिए, समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ही महाभाष्य है। इट्स लाइक अ कमेंट्री ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता में 700 श्लोक है, इसमें 18,000 श्लोक है और इसमें मुख्य रूप से कृष्ण और कृष्ण का जीवन संदेश, इसलिए कृष्ण का जीवन ये अब शुरू हो रहा है, उसी के बारे में अभी कथा चालू है। इस आयोजन के बारे में हमें थोड़ा बहुत बता दीजिए। यहाँ पे भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। मुझे आज एक आमंत्रण आया तो मैं आई और सही में बहुत अच्छा लगा कि एक भगवान के सानिध्य में आज कृष्ण भगवान की, आज के भागवत सप्ताह में कृष्ण और राधा की शादी बताई गई। और सही में देखेंगे तो एक धार्मिक कार्यक्रम है और धर्म की बहुत ज़रूरत है। आज ऐसा है कि हमारे जैसे जो पापी लोग हैं, वो जो यहाँ पे तैरते हैं जगत में, वो ऐसे साधुओं के कारण ही, संतों के कारण ही तैरते हैं। जो मान्य व्यास जी है, उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और लोग, मैंने देखा कि 7 बजे का टाइम ख़त्म होने का था लेकिन 8:30 बजे तक लोग यहाँ से हिलते नहीं है। इसका ही मतलब यह है कि साथ में सब लोगों को अध्यात्म में भी रुचि है और वो अध्यात्म की रुचि यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, सुनने में आया कि अभी आप MLA की तैयारी में है, तो इसके बारे में थोड़ा समय बताइए। MLA की तैयारी करना या नहीं करना, ये हमारे पक्ष के लोग, पार्टी के माननीय उद्धव साहब ठाकरे और हमारे जो नेतागण हैं वही सोच सकते हैं। वो जिस दिन हमें हमारे माननीय उद्धव जी बोलेंगे उस दिन तैयारी करना चालू करेंगे। हम जानना चाहें कि ये आयोजन आप कब से करवा रहे हैं? ये आयोजन हम लोग 2017 से कर रहे हैं और हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में श्रीमद् भागवत की कथा होती है। ये तीसरा साल चल रहा है 2019 का। कौन कौन सी संस्था इसे ऑर्गेनाइज कर रही है और कितने लोगों का उसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान है? वैदिक ऋषि संस्था, जन कल्याण सेवा समिति, मोती सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, ये 3 संस्थाएं इसमें हमारे मुख्य रूप से भूमिका अदा करती हैं। कौन कौन से लोग इसमें ज्यादा सक्रिय हैं बताएंगे? सबसे पहले सक्रिय तो वैदिक ऋषि संस्था है, फिर उसके बाद में ऋषिराज तिवारी जी है, दिनेश शुक्ला जी है, राम सागर मिश्रा जी है, राजाराम गुप्ता जी है, गजानंद सावरकर जी है, डॉक्टर परशुराम जी है, उदय सिंह जी है और काफी यहाँ के सरदार पटेल रहवासी के दयाल सिंह जी है, काफी लोगों का यहाँ पे सहयोग है।